कोई बात नहीं। तो आप बात करते हैं, छोटे मोटे चार्ट है उसके ऊपर से, स्केटर चार्ट है आपका। स्केटर चार्ट में आपको जो है बबल्स की तरह जो होता है ना, वो होता है आपका, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मुझे यहाँ क्वांटिटी है हमारा, और हमने क्वांटिटी और हमने बोल दिया कि भाई हमारा सिटी वाइज, ठीक है। तो ये सिटी वाइज आपको क्वांटिटी का फ्लो दिख गया, ठीक है। सारा ये अब एक लाइन पे दिख रहा है, क्यों दिख रहा है एक लाइन पे? क्योंकि मोस्टली एक ही सेल हुआ। अगर मैंने उसको उठाया और डेट रख दिया, अब यहाँ पे दो दिख रहा है क्योंकि डेट हमारा किसके हिसाब से है, एक मिनट, मंथ ईयर के हिसाब से है ना। तो मैं अगर इसको डाउन करूँ और इस पर क्लिक करूँ, ये आपका, तो सर यहाँ पे क्या है कि सबको मोस्टली मैंने 5-10-5 का ही गैप है ना सर, इसलिए सारा एक लाइन पे दिख रहा है। अलग अलग गैप होता है ना वैल्यू की, जैसे 10 होता है, 20 होता है, 50 होता, तो यहाँ पे आपको डॉट्स दिखते हैं जी। और इससे एक चीज और पता चल रहा है कि आपको ये पता चल रहा है कि आपका जो फ्लो कौन फॉलो कर रहा है। जैसे कोई नीचे आएगा, मान लीजिए किसी का डॉट अगर यहाँ इस साइड में आ गया या ऊपर साइड में आ गया, इसका मतलब है कि ये फ्लो से हटा हुआ है। और इसके भी यहाँ पे लेजेंड है, जैसे लेजेंड को मैं नेम में लेजेंड डाल दिया, देखिए लेजेंड बाय अलग अलग कलर्स हो गए सबके, समझे। इसके लिए पर्याप्त डेटा नहीं है, एक पर्याप्त डेटा पे इस चीज को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। फिलहाल आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ओके सर, कोई नहीं। उसके बाद हम बात करते हैं आपका पाई चार्ट। पाई चार्ट क्या होता है? कंट्रीब्यूशंस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे अब मुझे पता करना है कि किस एरिया में क्या सेल चल रहा है, एरिया वाइज मुझे उसका कंट्रीब्यूशन दिख जाए, तो यहाँ एरिया वाइज देखिए पता चल गया कि आपका नॉर्थ में क्या सेल है, साउथ में क्या सेल है, ईस्ट में क्या सेल है, दिख रहा है ना सर जी, है यहाँ पे। और इसमें भी आप एक ही फील्ड ले सकते हैं, एक से ज़्यादा फील्ड नहीं ले सकते। और इसके भी लेजेंड है, डेटा डिटेल्स है, डेटा कलर्स है, टाइटल्स हैं, बैकग्राउंड्स है, लैक स्पेस है, स्पेस से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बॉर्डर्स हैं, ये आपका डेटा का बॉर्डर्स है, शैडो है, टूल्टी विजुअल है, सेम है, इसमें कोई खास नहीं, ठीक है ना, ठीक है सर। ऐसे भी आप इसकी एक बार प्रैक्टिस करके आप खुद देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा, छोटी छोटी चीज़ें। उसके बाद इसी का अगर बात करें हम यहाँ डोनट चार्ट, तो डोनट चार्ट और पाई चार्ट बिल्कुल सेम है, बस एक गोल हो जाता है, बीच में कट ऑफ हो जाता है। हाँ, इसमें हम एक काम कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए सिटी को मैंने यहाँ रख दिया, तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको पहला ही दिखाएगा। आप जो नीचे करेंगे तो सिटी वाइज दिखाएगा, ऊपर करेंगे तो आप नेम वाइज दिखाएगा, ये दोनों एक साथ नहीं दिखाएगा, डोनट चार्ट दोनों एक साथ नहीं दिखाएगा, ठीक है, एक बार में एक ही को दिखाएगा। जी हाँ जी। एरिया चार्ट की बात करें तो ये आपका एरिया वाइज बता देगा कि किसका कितना एरिया है, सबसे बड़ा प्लॉट कौन सा है, फिर छोटा प्लॉट क्या है, फिर उसके प्लॉट उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, फिर यहाँ सबसे छोटा, प्लॉटिंग वाइज एरिया कैप्चर दिखा देता है। और इसकी भी फॉर्मेटिंग बिल्कुल सेम है जो बाकी फॉर्मेटिंग आपने किया हुआ है। डेटा लेबल करेंगे तो डेटा लेबल आ जाएगा, बाकी जो भी देखना चाहे वो चीज़ आ सकते हैं। एनालिटिक्स में हर किसी का अलग अलग आता है, इसमें कोई एनालिटिक्स नहीं है, किसी में आएगा किसी में नहीं आएगा, वो चार्ट चार्ट पे डिपेंड करता है। ओके सर, ठीक है, ठीक है सर, चलिए। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए, कल की क्लास में हम आगे की चीज पढ़ेंगे।